वेलकम बैक टू चैनल विकास हाउसिंग गाइस टिप्स गाइस। इन दिस वीडियो में आपको बताने कि यहाँ पे यूट्यूब की तरफ से कुछ मेल्स आए हैं जो कि हर एक लोगों के पास आए, ये नहीं कि जो इनके पास यूट्यूब अकाउंट है जो है उन्हीं लोग को नहीं। यहाँ पे गाइस जो यूट्यूब यूज करते हैं, जो गूगल अकाउंट यूज करते हैं, जो यूट्यूब यूज करते हैं, उन सब लोगों के पास ये मेल आया है। और ये जो मेल है इसमें यूट्यूब का कुछ चेंजेस है जहाँ पे यूट्यूब डेट्स बताया है। और यहाँ पे गाइस हमें बहुत सारे यूट्यूब में चेंजेस है जहाँ पे ये बताया गया है कि यूट्यूब के टर्म सर्विसेज में कुछ चेंजेस आया है। सो गाइस इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ये जो मेल है ये यूट्यूब किस लिए भेजा है और यूट्यूब का कौन सा सर्विसेज चेंज होने वाला है या फिर यूट्यूब किस प्रकार से अपडेट होने वाला है। सो इसके लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए और अगर आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बिल को नहीं तो वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस चलिए आपको बताते हैं गाइस यहाँ पे यूट्यूब की तरफ से हम सभी लोग को आप लोगों को भी मेल्स आया होगा, जैसे कि आप लोग अपने मेल्स में ही देखते होंगे। तो यहाँ पे मेल्स में ये लिखा है कि यूट्यूब के जो टर्म सर्विसेज हैं उसमें कुछ चेंज किया जाएगा, मतलब कि जो यूट्यूब के टर्म सर्विसेज हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं तो उसमें कुछ चेंज किया जाएगा। लेकिन उसकी यहाँ पे डेट भी बताई गई है कि जहाँ पे 10 दिसंबर के बाद YouTube के टर्म सर्विसेज में कुछ चेंजेस आएगा और YouTube का सब कुछ चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पे गाइस ये बताया गया है ये मेल्स की वजह से कि जो YouTube की टर्म सर्विसेज है उसमें अपडेट किया जाएगा, लेकिन आपको इसके समझ में नहीं आता होगा बहुत सारे लोगों को। सो गाइस चलिए आपको बताते हैं गाइस यहाँ पे ये मेल्स YouTube का आया है क्योंकि YouTube अपने टर्म सर्विसेज में चेंजेस कर रहा है, क्योंकि गाइस YouTube में बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम होती थी और गाइस बहुत से मतलब YouTube का कुछ ऐसा रूल था कि YouTube जो ऐप है जिसमें YouTube में वीडियो बनती है उसको देखने के लिए लोग कोई भी देख सकता है, मतलब कि चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बूढ़ा आदमी, चाहे एक जवान आदमी, सभी लोग एक तरह से YouTube को यूज करते हैं। जिससे गाइस कि होता क्या है ना कि सब लोगों को तो एक ही कंटेंट मिलता है, कोई कुछ अलग कंटेंट बनाता है, कोई मतलब बहुत तरह के गाइस यूट्यूब कंटेंट बनते हैं। तो जो छोटा बच्चा देखता है उसी कंटेंट को तो उसके माइंड में कुछ और चलने लगता है और वो कुछ और देखने लगता है, जहाँ पे कोई भी प्राइवेसी यूट्यूब की तरफ से नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पे गाइस यूट्यूब ने इसी बात के लिए मेन किया है, एज रिस्ट्रिक्ट क्रिएशन वाले पे अपडेट लाया है यूट्यूब, जो कि गाइस यूट्यूब का ये जरिया था कि जो YouTube में था कि जब मान लीजिए कि कोई वो सेक्सुअल कंटेंट है तो उसमें 18 प्लस पहले एज रिस्ट्रिकेशन करना पड़ता था। लेकिन गाइस वहाँ पे कुछ लोग ऐसे बना देते थे जो कि एज रिस्ट्रिकेशन नहीं डालते थे, लेकिन कुछ ऐसी वीडियो बनती हैं जो कि एज रिस्ट्रिकेशन नहीं रहती और छोटे बच्चे या फिर जो भी लोग सब लोग उसे देख। लेकिन गाइस यूट्यूब ये नहीं चाहता कि जो छोटे बच्चे हैं वो यूट्यूब को यूज ही ना करें, और यहाँ पे उसी को नहीं जो बच्चे होते हैं वो यूट्यूब को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, जिससे गाइस उनका टाइम लॉस होता है, पूरा टाइम यूट्यूब को देते हैं। लेकिन यहाँ पे यूट्यूब ये नहीं चाहता है कि जो बच्चे हैं वो यूट्यूब को नहीं यूज करें, यूट्यूब चाहता है कि वो यूज करें लेकिन एक अलग तरीके से यूज करें, जैसे कि जो यूट्यूब किड्स ऐप है उसको बच्चे यूज करें। और यहाँ पे बताया गया है कि जो 18 प्लस की एजेस थे तो यहाँ पे जो 13 साल के लोग हैं, 13 साल से ऊपर के लोग यूज कर सकते हैं यूट्यूब के ऐप को, लेकिन जो 13 साल से नीचे के लोग होंगे वो डायरेक्ट यूट्यूब ऐप को नहीं यूज कर सकते हैं, वो यूज करेंगे अपने यूट्यूब किड्स ऐप को। और इसकी जिम्मेदारी उनके पेरेंट्स को करना पड़ेगा, मतलब उनके जो गार्जियन है उनको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये डायरेक्टली अगर मान लीजिए कोई छोटा बच्चा वो तो अपने पिताजी का फ़ोन लगा लेके तो देख ही सकता है, लेकिन अगर उसके पेरेंट्स अगर चाहें तो नहीं देख सकता। उनके पेरेंट्स को करना क्या होगा, यहाँ पे गाइस उनके पेरेंट्स को एक गूगल अकाउंट बनाना पड़ेगा जहाँ पे गाइस उसमें जिसके लिए अपने बच्चे के लिए एज बना रहे हैं तो उस बच्चे की रियल एज उसमें देना पड़ेगा। और जैसे आप उसमें रियल एज देंगे ना, तो रियल एज देने के बाद वो जो बच्चा है वो यूट्यूब जब तक 13 साल का नहीं होगा तो वो यूट्यूब के ऑफिशियल ऐप को नहीं यूज कर सकता वो। और गाइस यूट्यूब किड्स ऐप पे बच्चों को कुछ नॉलेज दी जाती है, कुछ एंटरटेनमेंट किया जाता है जो कि उनको चाहिए, तो वैसी कुछ चीज़ें यूट्यूब किड्स ऐप पे हमें मिलती है। और गाइस यहाँ पे जब तक वो 13 साल के नहीं होते तब तक वो इसे ये नहीं यूज कर सकते, तो इनके लिए इसकी जिम्मेदारी उनके गार्जियन को देने पड़ेगी और उनके गार्जियन ही अपने बच्चे के लिए ये कर सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि वो डायरेक्टली इसे यूज नहीं कर सकती। और गाइस यहाँ पे YouTube के कंटेंट में बहुत सारे अपडेट आए हैं, हर एक जगह से YouTube का अपडेट निकल के आया है और ये जो टर्म्स एंड सर्विसेज है यहाँ पे अपडेट किया जा रहा है, मतलब कि YouTube के जितने भी रूल थे जो पुराने रूल थे जिससे गाइस YouTube को मतलब बहुत पुराना हो गया, अब न्यू रूल आने वाले, न्यू जनरेशन आ गई है, तो YouTube उस जनरेशन के हिसाब से अपने टर्म्स एंड सर्विसेज को अपडेट कर रहा है। और इसीलिए सारे लोगों को मेल्स इसलिए भेज दिया है क्योंकि
अपडेट जब करेगा तो ऑटोमेटिक सब कुछ अगर चेंज हो जाएगा तो लोगों को पता नहीं चलेगा, लोग समझ नहीं पाएंगे। लेकिन पहले से यूट्यूब सबको मेल्स कर दिया है तो लोगों के मन में विचार आएगा, लोग बहुत सारे मतलब कहीं 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 से इस नोटिफिकेशन या फिर इन सब चीज़ों को जान लेंगे, उसके बाद बड़े आराम से समझ सकते हैं। तो यूट्यूब पहले ही सबको मेल्स करके बता दिया कि उसके टर्म्स एंड सर्विसेज में चेंजेस होगा, जहाँ पे गाइस हर एक लोगों को ये मेल्स पहुँचा होगा। सो गाइस यही कुछ हम आपको बताना चाहते थे कि यूट्यूब का टर्म्स एंड सर्विसेज वाला ईमेल्स का मतलब क्या है और आखिर क्या यूट्यूब करना चाहता है। सो यही कुछ हम आपको बताना चाहते थे। आई होप आपको वीडियो पसंद होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिए और कमेंट करिए वीडियो कैसी लगी, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करिए और बिल्कुल नहीं तो हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते अगली वीडियो में। एज वेल एज डू समथिंग न्यू, डू समथिंग डिफरेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।